दोस्तों आज की फिल्म है द काम बियॉन्ड, एक बेहतरीन फिल्म जो कि पोस्ट एपोकलिप्टिक घटना के बाद की फिल्म है। एपोकलिप्टिक मीन्स दुनिया का विनाश। ये फिल्म एक विनाशकारी घटना के हो जाने के बाद की कहानी को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत हांगकांग से होती है, एक तूफान जिसने सारी दुनिया में तबाही लाकर रख दी है। हम एक महिला को बिल्डिंग के अपार्टमेंट में देखते हैं, उसका नाम आयशा है। आज से करीब 5 साल पहले एक सुनामी आई थी जिससे पूरा हांगकांग पानी में समा गया था। तब से अब तक वो इसी अपार्टमेंट में छुपकर रहती है। उस सुनामी में उसने अपने परिवार को भी खो दिया है। अब बाहर की दुनिया में कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं, उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। पर शायद कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा है। वो इस अपार्टमेंट से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि उसके पास कोई बोट भी नहीं है। हाँ, पर उसके पास एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिससे वो अपनी बैटरी चार्ज करती रहती है, और उसके पास एक रेडियो है। उसने बैटरी चार्ज करके उस रेडियो में लगाई और रेडियो को चालू किया। उसमें एक शख्स की आवाज सुनाई दी। वो शख्स कह रहा था कि बचने की अब भी उम्मीद है। उनके पास फूड, शेल्टर और सप्लाईज भी हैं, और उनका लोकेशन है 2227। ये सुनकर आयशा के चेहरे पर उदासी आ जाती है और उसने रेडियो को बंद कर दिया क्योंकि वो उस रेडियो में बताई हुई लोकेशन तक नहीं पहुंच सकती है। टेरेस पर जालियां हैं और उस जालियों में कुछ बूंदे हैं। वो उन बूंदों को कपड़ों में एब्जॉर्ब करती है और फिर डब्बे में निचोड़ देती है ताकि उसके पीने के पानी का इंतजाम हो सके। इस तरह से उसने अपने लिए थोड़ा पानी स्टोर कर लिया था। उसके पास एक दूरबीन भी है जिसकी मदद से वो आसपास के इलाकों में नजर रखती है। वो देखती है कि कई इमारतों में अब भी कुछ सर्वाइवर्स थे। एक दिन उसने देखा कि एक पैक्ड बॉक्स पानी में तैर रहा है। उसने एरो की मदद से उस बॉक्स को खींचने की कोशिश की, पर किसी समुद्री जीव ने उसे इस तरह से पकड़ रखा था कि वो उस बॉक्स को खींच नहीं पा रही थी। शायद से वो शार्क थी, पर किसी तरह से उसने उस बॉक्स को खींच लिया। बॉक्स को खोला तो उसमें उसके इस्तेमाल लायक कोई भी सामान नहीं था, सिर्फ उसमें एक विस्की की बोतल थी। कुछ नहीं से तो एक विस्की की बोतल ही सही। इसके बाद सीढ़ियों से चलते वक्त उसने एक अपार्टमेंट की तरफ देखा। शायद कोई पुरानी यादें हैं जो शायद उससे जुड़ी थी। यहां हम देखते हैं कि बॉक्स को खींचते वक्त उसके हाथों में चोट आ गई थी। किसी तरह उसने अपनी चोट को साफ करके एक कपड़े से बांध लिया। आशा के पास सर्वाइवल स्किल है, वरना वो बाकियों की तरह कब का मर गई होती। थोड़ा बहुत खाने का सामान स्टोर कर रखा है उसने, पर वो सामान ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही है। अब उसने अपनी इस जिंदगी से समझौता कर लिया था, पर उसके दिल में एक उम्मीद है कि किसी न किसी दिन वो यहाँ से जरूर निकलेगी। दूसरे दिन उसने सामने की बिल्डिंग में देखा कि सामने की बिल्डिंग में कुछ पायरेट्स हैं और वो बिल्डिंग में रहने वाले शख्स को मारकर उसका सामान लूट रहे हैं। उन लुटेरों के पास एक बोट भी थी जिसकी मदद से वो हर बिल्डिंग में जाकर सर्वाइवर्स को मारकर उनका सामान छीन लेते थे। अचानक से बोट पर खड़े उस शख्स की नजर आयशा पर पड़ी क्योंकि उस शख्स के हाथ में भी दूरबीन थी। ये देख आयशा डरकर नीचे बैठ गई। उसे पता चल गया था कि उन्होंने उसे देख लिया है। जब आयशा ने दोबारा से उन्हें देखा तो वो बोट से उसकी ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आयशा डर गई और उसने सारी चीजों को बिखेर दिया और अपने कपड़े छिपा दिए ताकि उन्हें पता न चले कि यहाँ कोई छिप कर रह रहा है, और वो जाकर वार्डरोब में छिप गई जिसमें एक सीक्रेट डोर था। अब पायरेट्स जो कि 4 लोग थे उस घर में आ गए। उसमें से एक शख्स को पूरा यकीन है कि उसने किसी को इस घर में देखा है। उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। वो घर की तलाशी लेने लगा और सभी सामान को यहाँ से वहां फेंकने लगा। यहाँ भीतर छुपी हुई आयशा डर रही थी, अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार देंगे। काफी ढूंढने के बाद जब कोई नहीं मिला तो पायरेट्स का कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि यहाँ बस समय की बर्बादी है, यहाँ कोई नहीं है। इधर आयशा रोने लगी क्योंकि अब उसे काफी डर लग रहा है। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ है। पायरेट्स के वहां से जाने के कुछ देर बाद वो बाहर आई। शायद वो फिर यहां आ सकते हैं, इसलिए अब उसे काफी सतर्क रहना होगा। रात हो जाती है, वो सो जाती है। सुबह एक खराब सपने की वजह से उसकी नींद खुल गई। इतने दिनों अकेले किसी से बात किए बगैर रहना एक चुनौती बन गया था उसके लिए। ऐसे वक्त में कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, पर आयशा ने खुद को संभाल कर रखा था। शायद वो पुरानी यादें हैं जो उसे अब तक जिंदा रखे हुए हैं। टेरेस पर उसने अपने लिए कॉफी बनाई। आयशा काफी सोच में है, शायद आने वाले कल को लेकर।
जब भी उसे समय मिलता वो बाहर पानी में नजर रखती, शायद कोई बॉक्स बहकर आया हो जिसमें उसकी जरूरत का सामान हो। इसी उम्मीद से वो हर रोज बाहर देखती है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई दिया। वो उस बॉक्स को खींचकर लाई। उसमें एक हनी की बोतल थी जिसे देखकर वो काफी खुश हुई। उसने टेस्ट करके देखा, वो हनी फ्रेश था। उसमें कुछ फ्रूट्स भी थे जो सड़ चुके थे। उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। तभी उसकी नजर बाहर एक बॉक्स पर पड़ी जिसके सहारे एक छोटी लड़की तैर रही है। वो लड़की बेहोश थी, पर आयशा को लगा वो लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए उसने उसे निकाला नहीं। उसी रात वो कुछ काम कर रही थी, तभी हम कमरे में उस लड़की को उसके पीछे देखते हैं, पर आयशा को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। आयशा को देखने से पहले वो लड़की छिप जाती है, पर थोड़ी ही देर में आयशा को पता चल जाता है कि ये वही छोटी लड़की है। वो पकड़ने गई, वो उसके पेट में जोर का मारकर वहां से भाग गई। यहाँ हमें पता चलता है कि आयशा की एक बहन थी जो इस सुनामी में मारी गई थी। आयशा ने जाकर अपने बेड के नीचे देखा, वहां के सारे खाने वाले सामान गायब थे। वो दूसरे कमरे में गई, वो लड़की सो रही थी और उसने सारा सामान यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। कहीं ना कहीं उस लड़की को देखकर आयशा को अपनी बहन की याद आ रही थी। अब उसकी बेरंग जिंदगी में धीरे धीरे रंग भरने लगे। सुबह उस लड़की ने एक इनवलप खोला, उसमें आयशा और उसकी बहन की तस्वीर थी। आयशा ये देख काफी घबरा गई। उसने उस तस्वीरों को छीनकर छिपा दिया और रोने लगी। शायद से वो बीते हुए कल का सामना नहीं कर पा रही है। वो दोनों टेरेस पर थे। आयशा उनकी हरकतों को देख काफी मुस्कुरा रही थी। शायद काफी दिनों बाद वो इतना हंसी है। रात उस लड़की ने अपना नाम बताया। उसका नाम हेई है। हेई ने बताया वो अपने परिवार को काफी मिस कर रही है जो सुनामी में बिछड़ गए। आयशा ने उसे समझाया कि किसी दिन वो एक बोट तैयार करेगी और दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद शायद वो हेई के परिवार को ढूंढ पाए और उस बोट से वो इतनी दूर चले जाएंगे कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। सुबह दोनों टेरेस पर थे, तभी हेई ने दरवाजे का टेप निकाल दिया क्योंकि दरवाजा छोड़ने पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता था और वो दरवाजा बंद हो गया। ये देख आयशा काफी परेशान हो गई। उसे लगा अब वो यही भूख प्यास से मारी जाएगी। तभी हेई ने एक वायर की मदद से उसका लॉक खोल दिया और दरवाजा खुल गया। ये देख आयशा काफी खुश हो जाती है। हेई आयशा की सोच से ज्यादा होशियार है। आयशा ने उसे समझाया कि वो दोबारा से यहाँ की किसी चीज को भी हाथ ना लगाए और बिल्कुल भी शोर ना मचाए, वरना पायरेट्स को उनकी जानकारी मिल जाएगी। उसी दिन आयशा को बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा बाहर थोड़ी दूर पायरेट्स की बोट है। उसने हेई को जल्दी से अलर्ट कर दिया, पर वो पायरेट्स वहां से चले गए। यहाँ हम देखते हैं कि आयशा उसे नहला रही है। हेई ने सवाल किया, अगर वो पायरेट्स इस घर में आ गए तो वो क्या करेगी? आयशा ने बताया उसके पास एक छुपने की जगह है। हेई ने कहा कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। उसने आयशा को भी साथ आने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया कि ये घर मेरा है और मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। वैसे भी बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है, बाहर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ आयशा ने देखा कि उसके गले में उसका नेकलेस नहीं था। उसे लगा कि नेकलेस हेई ने लिया होगा। उसने हेई से पूछा तो हेई नाराज होकर यहाँ से चली गई। वो नेकलेस आयशा की बहन का था जो वो खुद से कभी अलग नहीं करती थी। इस बात के लिए आयशा ने उससे माफी भी मांगी, पर हेई का तो बचपना था, वो अभी भी इस बात के लिए नाराज बैठी है। यहाँ हेई ने अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया जो कि आयशा का ही सामान था। दूसरे दिन आयशा ने टेरेस पर देखा कि पानी की बॉटल्स खाली हैं। वो देखकर काफी घबरा गई। उसने नीचे जाकर देखा, हेई पीने के पानी से कपड़ों को धो रही है जो कि आयशा ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। आयशा को पुराने विजन्स याद आने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि आयशा की जो छोटी बहन है वो उसकी सौतेली बहन थी। घर में सबसे पहले हर चीज उसे लाकर दी जाती क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए आयशा को उससे काफी नफरत थी। यहाँ तक कि आयशा कभी भी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो एक घमंडी और बिगड़ैल लड़की थी। अब हम देखते हैं कि आयशा बेहोश हो गई है। हेई उसके पास ही बैठी है। यहाँ हेई ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही थी, पर आयशा ने उसे बंद कर रखा है क्योंकि आयशा नहीं चाहती थी कि कोई भी बड़ा हादसा हो, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू रखना खतरे से खाली नहीं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। हेई जा रही है। जाते वक्त हेई ने कॉरिडोर के आखिरी रूम की तरफ इशारा करके पूछा कि वो अपार्टमेंट किसका है। आयशा ने उसे कुछ नहीं बताया। यहाँ पता चलता है कि वो अपार्टमेंट आयशा का ही है जिसे वो हर वक्त देखा करती है। हेई फिर रेडियो लेकर बैठ जाती है।
उस पर फिर से वही ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है, अगर किसी को मदद चाहिए तो उनके पास फूड, शेल्टर, सप्लाई सब कुछ है। लोकेशन 22.27 नॉर्थ में है। उसने जाकर आयशा को इस ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया। हेई ने कहा, हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक बोट की जरूरत होगी, पर आयशा ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो नहीं जानती कि वो जगह कहाँ है और वहां तक पहुंचने में उसे कितना वक्त लगेगा। शायद से आयशा को उस ब्रॉडकास्ट पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो यहीं रहेगी। हेई ने गुस्से में आकर आयशा को कायर कहा। हेई वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आयशा ने जाकर देखा कि हेई बोतल से एक रैफ्ट तैयार कर रही है जिसकी मदद से वो तैर कर उस लोकेशन तक पहुंच जाएगी। आयशा ने उसे समझाया कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती, पानी में शार्क्स हैं, मौसम भी अनस्टेबल है, जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर हेई को उनकी बातों पर भरोसा नहीं। हेई ने आयशा को दिखाया कि उसके पास एक प्रोटेक्शन भी है। एक्चुअली में हेई के पास एक फ्लेयर गन है। उसे देखकर आयशा काफी डर गई क्योंकि अगर इससे शूट कर दिया तो पायरेट्स उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। अब आयशा रिक्वेस्टफुली हेई से माफी मांगती है और कहती है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी। स्टोरी पास्ट में चली जाती है। आयशा घर छोड़ के जा रही है। उसे अपने परिवार के साथ अब और नहीं रहना। उसकी छोटी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की पर आयशा नहीं रुकी। आयशा को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बार में जाकर शराब पीना, नशे में धुत होकर डांस करना पसंद था। उसे बस यही आता था। एक तरह से वो अय्याश थी जिस वजह से उसके माता पिता परेशान थे। स्टोरी प्रेजेंट में आ गई। यहाँ आयशा ने आकर हेई को उठाया और ले जाकर के दिखाया कि कुछ देर पहले बारिश हुई थी। आयशा ने काफी पानी इकट्ठा कर लिया है। वो पानी को गर्म करके एक डब्बे में भर रही थी। इस काम में हेई भी उसकी मदद करने लगी। आयशा अपने बहन को याद करके काफी दुखी हो गई। यहाँ हम देखते हैं आयशा ने एक नाव बनाना शुरू कर दिया है जिससे तैर कर दोनों यहाँ से निकल सके। आयशा इस जगह से निकलना तो नहीं चाहती थी पर अब वो हेई के लिए यहाँ से निकलना चाहती। शाम दोनों टेरेस पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। शायद यहीं से उनके जीवन में नया सूरज उदय होने जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि आयशा ने एक नाव तैयार कर ली है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकलेगी। उस नाव को देख हेई काफी खुश हुई। दूसरे दिन उन्होंने अपना कुछ सामान लेकर उस पर रख दिया। अब वहां से निकलने के लिए आयशा सही मौके की तलाश में थी। उसने हेई को बताया कि सब क्लियर है, दोनों यहां से निकल सकते हैं। अब आयशा हेई के लिए कुछ गर्म खाने को ले आई। तभी उन्हें पता चला कि पायरेट्स आ गए हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी सभी सामान को बिखेर दिया और कुछ सामान छिपा दिया। उसने हेई को भी उस वार्डरोब में छिपा दिया। दोनों इमोशनल हो गए क्योंकि वहां सिर्फ एक को ही छिपाने की जगह थी। हेई रोने लगी। आयशा ने प्रॉमिस किया कि वो उसे लेने जरूर आएगी। वो सभी अपार्टमेंट में आ गए और सभी सामान को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगे। हम पास्ट में देखते हैं कि सुनामी के वक्त आयशा की बहन उसके साथ थी पर आयशा उस सुनामी में बच गई और उसके बचने का गिल्ट उसे आज तक है। यहाँ हम देखते हैं कि पायरेट्स उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। जब उसे बांध के बोट पर ले जाने लगे तभी आयशा ने एक शख्स के चेहरे पर फ्लेयर गन से शूट कर दिया। उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहां एक एक करके उसने सभी को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि उसे उस अपार्टमेंट का एक एक कोना पता था। उसके बाद वो दोनों पायरेट्स की बोट में सवार होकर के वहां से निकल गए और वो देखते हैं कि पायरेट्स की बोट में बहुत सारा फूड है जो वो कई दिनों तक खा सकते हैं। उसने रेडियो ऑन किया तो वो ब्रॉडकास्ट अभी सुनाई दे रहा था। दोनों उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ।